अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। छोड़ सकते
रहा हूँ बेटा। कितनी बार समझाया? अरे अरे ओ पिन माँ बाप की औलाद, शाम को आप खबर लेती हूँ मैं तेरी। My dear students, this year has been a great year for Dudley College. We have won many debates, competitions, and tournaments. It gives me immense pleasure to announce this year's annual function. हर साल की तरह इस साल भी हमारे कॉलेज का एनुअल फंक्शन होगा। इस साल के एनुअल फंक्शन का थीम है म्यूजिकल लैला मजनू। लेकिन इस साल सिर्फ 5 जोड़ियां चुनी जाएंगी और विनर को मिलेगा वही कॉलेज का मशहूर जोड़ी मेडल। मिस ब्रिगेंसा, may I request you to announce the jurors, please? Naughty boy. Miss Braganza, you may proceed with the announcement. Sure. पहली जोड़ी है number 3 and number 11. जोड़ी number 2, number 5 and number 42. तीसरी जोड़ी है नंबर 7 एंड नंबर 15। जोड़ी नंबर 4, नंबर 25 एंड नंबर 31। And finally jodi number 5, jodi number 12 and number 21. Aur iske sath bhaiya malkin ko naukar mil gaya. Girls and boys, that's final. मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी करेंगे। Got 5 days with you. All the best. सॉरी मैडम, इत्तेफाक से मेरा नंबर आपके साथ आ गया। अगर आप मेरे साथ जोड़ी नहीं बनाना चाहती हैं तो ठीक है, आप किसी और के साथ बना सकती हैं, मैं बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन आप अपसेट मत आइए, अपसेट होना तो हम जैसे लोगों के नसीब में। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस नौकर को बदल दो, लेकिन मेरी बात है कि तुम सुनती ही नहीं। तुम्हें तो ये अनपढ़ नौकर पसंद है। अरे आजकल एजेंसी में प्रोफेशनल नौकर भी मिल जाते हैं, अब खड़े खड़े मुंह क्या तक रहे हो, साफ करो इसको। रणवीर, बच्चों का कसूर है, तुम मन्नू को क्यों डांट रहे हो? बिल्कुल अपने बाप पे गया। मत बोलो बेटा, तुम्हारे बाप भी एक जमाने में नौकर थे। माँ, आप ये बीच में फैमिली हिस्ट्री लेकर क्यों आती हैं? काजल जी। पापा। बेटे ही चुपके से आप कहाँ जा रहे हैं, इधर आइए। यहाँ आइए,
ये क्या छुपा रही हैं आप? क्या सोचती हैं? हमें कुछ पता नहीं चलेगा? जी वो आप बताएंगी या हम बताएं? ओले ले 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 ले। अरे मैं तो मजाक कर रहा था पगली। आप लोगों को कुछ खबर है? हमारी बेटी काजल को जोड़ी मेडल कंपटीशन के लिए चुना गया है। हाँ। अच्छा, देखना एक बार फिर से इस घर में जोड़ी मेडल आएगा और वो लेकर आएगी हमारी बेटी काजल। बेटे, आपके चाचा जी के अलावा इस परिवार में आज तक कोई भी जोड़ी मेडल लेकर नहीं आया। हमने भी कई बार कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। क्यों सीमा? ये भी तो बताइए कि नाकाम क्यों रहे? हाँ तो बेटा, आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं? चुप बेटा, इधर आजा, इधर इधर बैठ। मेरी काजल तो जरूर जीतेगी, मुझे पूरा भरोसा है इस पे। ये वाला नहीं होगा यार, उससे प्रैक्टिस हो जाएगा। अरे रवि, हाँ तू ही स्टेप बता देना यार। मेरे से क्या पूछता है? अरे मिस ब्रिगेंजा से पूछना, क्या मस्त आइटम है रे। अबे रुको रुको रुको, देख नहीं रहे हो? महारानी जी पधार रही है। ए बब्बन, ए ये ए क्या? अच्छा दूर रह, देख। अरे आज वो नौकर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लगता है रणवीर जी गाड़ी साफ कर रहा होगा। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ गाइस? मैडम, Actually, we are rehearsing for the show. Oh, really? Yeah. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे अच्छी तरह से नजर आ रहा है कि यहाँ पर क्या rehearsals हो रही हैं। No, ma'am. Now off to your classes. Come on. Okay. Fast. Okay, ma'am. जी ma'am. Let's go now. हाँ बोलिए, क्या चाहिए? ए हीरो, आज कॉलेज नहीं गया क्या? क्यों, तुझसे मतलब? नहीं, शाहरुख खान की नई फिल्म लगी है, कभी हीरो और कभी जीरो। क्या हो रहा है? सेठ, आज आपको बड़ी टिप देनी पड़ेगी। आज अपना हीरो फिल्म देखने जा रहा है मेरे साथ। एक मिनट। क्या बात है, आज हमारे हीरो का मूड नहीं है क्या? कुछ नहीं बाबा, आज सर को ज्यादा ही दुख रहा है। तो बेटा तू रेस्ट करना, मैं संभाल लूंगा सब। I'm fine. मैं ठीक हूँ। अरे बबलू, पिंटो, इधर। हाँ, जी, जल्दी आओ। जी, मैं जरा जा रहा हूँ, तुम संभाल लेना। जी, चल, आ बेटा, आजा। जी। ए पिंटो, हाँ, अंदर आ। आया। हाँ, यहाँ पे आ। एक स्पेशल पैक बना। ओके, जा। आ बैठ। क्या बात है बेटा? कुछ नहीं बाबा। तू तो झूठ भी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता बेटा। 5 साल का था जब मेरे पास आया था, झूठ तो तब भी नहीं बोल पाया था। खैर, तेरे प्रिंसिपल साहब आए थे, कॉलेज के किसी जोड़ी कंपटीशन के बारे में बात कर रहे थे। शायद ये भी बताया होगा कि किस तरह से कॉलेज में मेरा मजाक उड़ाते। क्यों बाबा, ऐसा क्यों होता है? क्या चाहिए ना मेरे लोगों को जो हम जैसे लोगों पर हंसते हैं? सेटिस्फेक्शन बेटा, जो उनके पास नहीं है। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब उन पर पड़ती है ना बेटा, तो खुदा को याद करते फिरते हैं। पर तू तो मेरा हीरो है। इन छोटी छोटी बातों से घबरा मत बेटा। सुना है तेरी जोड़ी बहुत प्यारी है। क्या बाबा, वो तो मुझे लिफ्ट भी नहीं देती। मेरे जीतना तो दूर की बात है। वो कहते हैं ना बेटा, जस्ट चिल चिल फिर आएगा दिल दिल।
मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग बेटा. मॉर्निंग पापा. मॉर्निंग बेटा. और बेटा तुम्हारी रिहर्सल तो सब ठीक ठाक है ना? जी पापा. और बेटा अगर कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़े ना तो यू कैन आस्क योर मामा. रणवीर आजकल के कॉस्ट्यूम बिल्कुल अलग होते हैं. मुझे मालूम है यार, लेकिन हमारी बेटी की कॉस्ट्यूम सबसे अलग होनी चाहिए. क्यों बेटा काजल? जी पापा. We have the front row seats, remember? हाँ. बाय. बाय. बाय बेटा. टेक केयर बेटा. बाय. रणवीर क्यों परेशान करते हो बेचारी को? शी विल बी फाइन. यू आर मेकिंग हर नर्वस. मुझे मालूम है मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूं, बट आई लव हर डियरली. मेरी ऊपर वाले से एक ही विनती है कि मेरी बच्ची की जिंदगी में कभी कोई रुकावट ना आए. सो वन टू एंड थ्री. मैंने कहा था ना. इसके बाद क्या करना है? इसके बाद आई हैव टू मूव. ओके. सी. कम क्लोजर एंड टर्न. ऑलराइट. कूल गाइस. कूल हां. लो आ गई मालकिन. मालकिन जी आ गई. कहिए मालकिन जी, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? जी मैं राजा को ढूंढ रही हूँ. राजा? जी. होगा वही, पकौड़े बना रहा होगा. क्या करे बेचारा, हाफी पेट के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता उसे. हाँ हाँ, उड़ाइए हंसी. जब वक्त आएगा तब पता चलेगा किसका पकौड़ा बनता है. चलो काजल, ऐसे मेंटल लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए. अरे ओ घसीटे. मुझे पता है कितना दम है तेरे उस जैजी में. बात करती है. कोई बात नहीं यार. अरे बस कर, लेके जाएगा क्या अभी? क्यों जाती हूँ उन लोगों के पास? हाँ, you know they don't have anything nice to say. मैं राजा को ढूंढ रही थी यार. काजल, you have to be serious. सिर्फ एक दिन बचा है. I know यार, but I can't find राजा. ओके चल. हेलो काजल. हाय रोमी, तुमने राजा को देखा क्या? राजा को क्यों ढूंढ लिए, मैं हूँ ना. रोमी मैं राजा को ढूंढ रही हूँ, तुमने देखा उसको? नहीं मैंने उसको नहीं देखा. छोड़ना इसे. काजल ये मैं तुम्हारे लिए लाया था. पागल है, छोड़. He's cute. सर आपने राजा को देखा क्या? No, you can check in the library. लाइब्रेरी में देखें क्या? चलो लाइब्रेरी में देखते हैं. Have you seen Raja? He's tall and... No, sorry. Oh, यहाँ भी नहीं है. क्या करें? कहाँ ढूँढें? तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना. Man, what's up? Catch. मोती सेठ का ढाबा? Yep, वो इसी ढाबे में काम करता है. ढाबा और मैं? No way. हाँ? अंकिता यू नो आई कांट गो, मेरे पापा मुझे जान से मार डालेंगे. बट काजल योर फादर इज सो हाइप्ड अप अबाउट दिस कंपटीशन, योर होल फैमिली इज बिहाइंड यू. या मैन, काश मेरी फैमिली वाले भी ऐसे होते. एक आइडिया है, यू कैन बंक द नेक्स्ट टू लेक्चर्स. या ग्रेट. जेजी एंड आई विल कवर अप फॉर यू. सो सिंपल. डोंट वरी, किसी को पता नहीं चलेगा. बट जस्ट बी बैक बिफोर योर खुसर ड्राइवर कम्स. हाँ. ए, देख के चलना. सॉरी. क्या बात है बेटा, आज नजरें घड़ी पर ज्यादा ही है. कुछ नहीं मामा, बस ऐसे. कुछ तो है. मैडम क्या चाहिए आपको? एक स्पेशल पैक दीजिए प्लीज. ओके. ए हीरो, जरा काम पे भी ध्यान दे. हाँ, टेबल नंबर 2 का स्पेशल पैक का ऑर्डर है. ए क्या साला, मुझे ऑर्डर देता है? ए राजा प्लीज ऑर्डर दे देना यार, मैं जरा 2 मिनट करके आता हूँ. ओके मुझे ऑर्डर देता.
ये लीजिए आपका स्पेशल पैक। काजल तुम यहाँ? ए क्या हुआ? कॉलेज क्यों नहीं आए तुम? हाँ कितनी मुश्किल से मैं यहाँ पहुंची हूँ पता है? सिर्फ एक दिन बचा है, मैं अपने पापा को क्या जवाब दूंगी? He is so hyped up about the competition. राजा प्लीज मेरे साथ चलो ना। क्या बात है बेटा? अरे सब ठीक तो है। बाबा ये काजल, काजल ये मेरे बाबा। जी नमस्ते। काजल, काजल मेरी जोड़ी पार्टनर। अच्छा काजल। अंकल आप प्लीज राजा को समझाइए ना, सिर्फ एक ही दिन बचा है, हमें किसी भी तरह जोड़ी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना है, मुझे अपने पापा को खुश करना है। बेटा घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। राजा चल तू निकल, निकल। बाबा टाइम रिहर्सल? टाइम रिहर्सल सब ठीक हो जाएगा, तू निकल ले, चल मैं सब संभाल लूंगा। ओ चल अब, खुदा पे भरोसा रख, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। Oh,
दूंगा मैं तुम्हें तो सदिया। अच्छा बैठ बैठ। हाय आशु। हाय। बैठ 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 बैठ। कैसा है तू? बढ़िया हूँ यार। यार आशु। हाँ बोल ना। मुझे यार तेरे से कुछ काम था। हाँ बोल। वो अपना अमन है ना? हाँ हाँ। यार वो ड्रग्स के चक्कर में कॉलेज से बाहर हो गया है। प्रिंसिपल ने उसे निकाल दिया है। अच्छा अच्छा हाँ पता है पता है। और जो अपनी डॉली है ना? अच्छा वही जो डांस कॉम। यस 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 वही वही। यार वो बहुत रो रही है और मैं चाहता हूँ कि अच्छा तू भी अच्छा डांसर है ना? नहीं 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 नहीं। अरे यार बात समझने की कोशिश कर यार। साला ये अपने ग्रुप की इज्जत का सवाल है बे। यानी कि बप्पर की इज्जत का सवाल है। क्या बात कर। अगर तू इस कंपटीशन में हिस्सा ले लिया ना कसम से अपन को कोई भी नहीं हरा सकता है। तेरी इज्जत का सवाल है तो अपन कुछ भी करेगा यार। अब देख देख साले राजा की कैसे फाड़ते हैं हम लोग। चल डॉली। अरे यार इधर देखो तो सही। कम ऑन यार ये है तुम्हारा नया डांस पार्टनर आशु। मुझे पता है कि तुम बहुत अपसेट हो लेकिन यार अमन चला गया तो हम कर भी क्या सकते हैं हा? यार तुम्हें पता है ना ये कंपटीशन हमारे लिए जीतना कितना जरूरी हो गया है। और हमारे लिए ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए और भी ज्यादा जरूरी है। हाय हमासु। चाहो तो अजमा भी सकती। You want to see my moves? हाँ हाँ यार दिखाना दिखाना। देखो ना आनंदा। या
अब देखना ये कंपटीशन हम कैसे जीतते हैं। थैंक्स यार। चलें। चल बैग उठा चल। यस। बेटे काजल। जी पापा। और बेटा आपकी रिहर्सल कैसी चल रही है? वेरी गुड पापा। तो जोड़ी मेडल इज नॉट फॉर। आई डू माय बेस्ट। दैट्स लाइक माय गर्ल। देखो बेटा अगर तुम जीत भी नहीं सके ना तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हमारी इतना जीतने की तमन्ना तो है। थैंक यू पापा। बाय द वे हाउ इज योर एनर्जी लेवल? डॉक्टर जोसेफ को बुला लें। पापा आई एम फाइन। पक्का? अच्छा तो कल शाम को मिलते हैं। बट रिमेम्बर वी हैव द फ्रंट रो सीट्स। टेक केयर। थैंक यू पापा। तुम हौसला प्यार मेरा मासूम है समझा करो जरा, मेरा दिल धड़कता है तेरे लिए ही रात दिन, कर लो तुम मेरा यकीन हम दम जरा, मेरे दिल की दुआ ना हो जुदा, मेरी जान मेरी जान। राजा उठो, कॉन्सर्ट शुरू होने में सिर्फ एक घंटा रह गया, कम ऑन जल्दी। शिट। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। प्लीज वेलकम द बेंजीवाला भाटिया। हेलो गर्ल्स एंड गाइस, Are you ready for this fun-filled evening? Yes! आप सब जानते हैं कि हमारे कॉलेज में हर साल ये एनुअल जोड़ी कंपटीशन होता है जिसके लिए हमारे स्टूडेंट्स पूरी तैयारियां करते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी अपनी जोड़ी के साथ म्यूजिक के ऊपर 10 दिन 15 दिन की तैयारियां करके इस इरादे से आते हैं। हर जोड़ी का ये विश्वास होता है दे आर द ओनली वन हु आर गोइंग टू विन, एंड बिलीव मी This evening is going to be a fantastic, fun-filled evening. What do you say? Let's enjoy this evening. Okay. सुनो। क्या रे भाई? अच्छा सही है सही है। हाँ मजा आ रहा है ना? हाँ। साला इस बार तो हम ही लोग जीतेंगे। Let's kill. और हारेगा कोई और में? जरा मिल गया जा। क्या हुआ? नौकर साथ नहीं आया? काजल अभी भी वक्त है जोड़ी बदल ले। चाहे तो मैं तेरा साथ दे सकता हूँ और ये मेडल अपना ही होगा। ये लो। ये तो मारे गए रे टार्जन है वे। छोड़ना यार। अच्छा सुन जरूरत है ना स्टेज पर डोंट वरी हो जाएगा बट यू श्योर ना तू भी ना। हां मां। हां क्या पापा आईसीयू में और तुम मुझे अब बता रही हो? ठीक है मैं अभी पहुंचता हूं, तुरंत पहुंचता हूं। ए बबन क्या हुआ यार? यार मेरे पापा आईसीयू में और मुझे इस वक्त ही निकलना पड़ेगा यार। मगर वो लेकिन यार इस कंपटीशन को तुम ही लोग जिताओगे, मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है। अब मैं निकलता हूँ ठीक है? बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक। मेरी बात। अरे अरे देख इसे। आइए इस शाम का हम शानदार स्वागत करते हैं
जोड़ी नंबर वन से सपना और सलीम। क्या राजा, तुम्हारे कारण लेट हुए। अगर तुम टाइम पर उठ जाते तो हम लेट ना होते। बाबा आग लग गई थी। बाबा बाबा बोलो ना जल्दी करने। बाबा अरे भाई जल्दी कर ड्राइवर। आइए अब हम दूसरी जोड़ी का स्वागत करते हैं, अंकिता एंड रवि। दिल पुछलता है बल्ली ओ लैला जब तू कहे मुझे प्यार से छेला। जाए चाप मेरी बाजू में तू सट, दिल उछलता है बल्ली ओ लैला जब तू कहे मुझे प्यार से छेड़। मुझे मेरे तू सबसे जुदा है, मेरा ये दिल बस तुझ पे फिदा है, प्यार तेरा बस मेरी इबादत और तू मेरे दिल का पता है। हो गया हो गया हो गया लव हो गया, ओह यार हो गया हो गया हो गया दिल खो गया, हो गया हो गया हो गया लव हो गया, खो गया, खो गया, दिल खो गया। ये क्या? बहुत लेट हो गए। चलो ना बाबा। अब देखिए पिछले साल की वही मशहूर जोड़ी आशु एंड डॉली।
पता नहीं, बेकरारी सताए किस तरह क्या कहूँ, तेरे से दूर पल भर अब तो रह ना सकूँ, मेरे बेचैन दिल को आए ना सकूँ, तेरा जुनू जुनू 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 डॉक्टर बाबा अब जो इस फंक्शन की आखिरी जोड़ी पेश होने जा रही है वो है राजा एंड काजल। काजल अभी लेकिन राजा है कहाँ? अरे नहीं आया है। बू। बाय द वे काजल आई मीन काजल बाय द वे अकेले? अरे अच्छा अरे अकेली हेलो राजा कहाँ है यार तू? अरे यार मैं बाहर हूँ यार दरवाजा लॉक है यार। हाँ मैं एक मिनट में आया। अरे जल्दी आ यार। क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? हाँ। खोल। अरे खोल यार। हाँ कहाँ है यार? बहुत लेट हो गया यार। चल चल। राजा तुम कहाँ हो? प्लीज राजा मेरे पास आओ ना। मैं कितनी देर से तुम्हारी राह देख रही हूँ। प्लीज राजा प्लीज आओ ना। वरना आज तुम्हारे दिल की मालकिन किसी की नौकरानी बन जाएगी। प्लीज राजा प्लीज आओ ना। बस तुम हौसला प्यार मेरा मासूम है समझा करो जरा। मेरा दिल धड़कता है तेरे लिए रात दिन कर लो तुम मेरा यकीन हमदम सरा। मेरे दिल की दुआ ना हो जुदा मेरी जान मेरी जान। तुमसे है मेरी खुशी और जिंदगी भी तुमसे है, तेरे बिन लगता नहीं कहीं दिल मेरा। बाहों में भर लो मुझे और ले चलो उस गांव में, प्यार ही बस प्यार की खुशबू जहां।
competition, please put your hands together and welcome Raja and Kajal. Great job. Thank you, sir. Wow, thank fantastic. You. Thank you. Good job. Good job. Thank you. Very well done. Thank you. Better luck next time. Thank you, sir. Great. Keep it up. You made us proud. Well done. Better luck next time. Keep it up. God bless you. Congratulations. Congratulations. Thank you, sir. Very well done. जो पल साथ तेरे छेड़े मुझे वो लम्हे दिखता नहीं है कोई सहारा जाऊं कहां मैं बिन तेरे यारा पाऊं मैं कैसे प्यार तेरा रास्ता दिखा काजल आप अभी तक तैयार नहीं हुए फार्म हाउस नहीं चलना है क्या नहीं पापा आई एम टायर्ड आप लोग जाइए सुबह से जगा रही हूँ होश ही नहीं है इसको प्लीज पापा आई एम रियली टायर्ड ओके बाबा एज यू विश बट मेक श्योर हाँ यू गेट सम रेस्ट और वो डॉक्टर जोसेफ को याद से बुला लेना हाँ उनका फोन आया था ओके पापा अपना ख्याल रखना बेटे धीरे से ओके बाय बेटा अच्छा बाय टेक केयर बेटा बाय 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 दादी बाय दीदी बाय किरण बाय अभी बेटी काजल जी क्या मैं कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ वो मेरा बेटा अपनी अस्थमा की दवाइयाँ भूल गया है बस मैं यूं गया और यूं आया अच्छा जाइए पर कितनी देर लगेगी मोती सेठ का ढाबा मीन साहब बस 20 मिनट का रास्ता है मोती सेठ का ढाबा हाँ सुना है वहाँ पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं हाँ बहुत अच्छा बनाते हैं तो मेरे लिए एक स्पेशल पैक लेकर आइएगा जी बेटी मालिक डोंट वरी पापा को पता नहीं चलेगा तो फिर ठीक है बेटी चलता हूँ अच्छा हुँ।
ए हीरो, तू तो असली का हीरो बन गया रे। तेरी फोटो न्यूज़पेपर में छपी है, ये देख पेज नंबर 15 पर। राजा एंड काजल इन द पॉपुलर जोड़ी मेरी। बेटा जरा सुनना, मैं बबलू का पिता हूँ, ये उसे देने आया हूँ। वो बबलू कहाँ है? उधर है। अरे बापू आप यहाँ पर? बेटा तुम दवाएं भूल गए थे ना इसलिए। अरे बापू इसमें दवा नहीं खाली बोतलें। अच्छा तो कोई बात नहीं, एक काम करो जल्दी से एक स्पेशल पैक बनवा दो। ठीक है। जल्दी कर। ओके। ये लो, साहब को पता नहीं है। हाँ जल्दी करो। ओ हीरो एक स्पेशल पैक बना दो, बापू को ले जाना है। अच्छा स्पेशल बैग, और तेरे बाबूजी? हाँ इनकी मेम साहब को चाहिए। मेम साहब? हाँ रणबीर सिंह है ना, उसकी बेटी के लिए। हाँ बेटा। तो काजल की बात कर रहे? अब सोच क्या रहा है, बनाना? हाँ बना दो। अब कैसा है तू? बस मैं अच्छा हूँ। ठीक है ना? हाँ। दवा वक्त पे खाता है ना? हाँ बाबा। हाँ दवा नहीं छोड़ना बेटा। हाँ जल्दी ठीक हो जा है? हाँ। और खूब पढ़ लिख कर खूब। ये लीजिए। धन्यवाद। अच्छा बेटा चलो। डांस कर रहे हो भैया? ए चल काम पे लग, काम पे लग। बेटी काजल, काजल बेटे। ये लो तुम्हारा स्पेशल पैक। ठीक है जी। Famous Leela Majnu performance. The principal, बेटा। अरे बाप रे क्या हुआ भैया को? अरे हुआ बाप बेटा क्या हुआ? बाप जल्दी उठाओ। हाँ चलो। हाँ हाँ हंडो उठा, आराम से संभाल के भैया। क्या हुआ मेरी बेटी को? आराम से। हाँ शाबाश। यहाँ यहाँ बिठा दो। ओके सर मैं चलता हूँ। ठीक है राजा, चल डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं बाबा मैं ठीक हूँ, मिल्कशेक भी दिया था मगर दूध ठीक नहीं था। तो क्या जरूरत थी मिल्कशेक पीने की, लस्सी पी लेता? लस्सी तो उसी दूध का बनता है ना। अच्छा फिर भी डॉक्टर को दिखा लेते हैं। नहीं मैं ठीक हूँ बाबा। जैसी तुम्हारी मर्जी, मेरी तो कोई सुनता नहीं। मिला दे रब्बा यार से मिला दे, मिला दे रब्बा प्यार से मिला दे, मेरी चाहतों का तू यूं ना इम्तिहान ले, दूर रहने की मुझको सजा दे, ऐसा ना हो ये जुदाई मेरी जान ले ले। हाँ
बेटी काजल, देख तो कौन आया है। सब ठीक है बेटा जी? मैंने तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में बात की। करते हैं यार कुछ? जी हाँ भाई, तू बहुत बोलती है। मैंने कुछ नहीं कहा। चुप। काजल सही लिखे आदि पापा को भूल गए? पापा हम कुछ भी नहीं। बैठो। मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाय दादी। हाय, ये मेरी प्यारी बच्ची। हेलो। चिंता लगी रहती है, एक बार इसकी शादी हो जाए तो मैं सुख से हो जाऊं। मॉम काम करो यार। हाय बेटा, दोनों सीधे रूम में जाएंगे। होमवर्क किया तुमने? बिल्कुल नहीं हुआ है। आराम से। इसने नहीं किया? इसने तो किया। तुमने किया होमवर्क? हाँ, मैंने तो किया है। मैंने तो इसे कहा था। ये रहा मेरा जोड़ी मेडल। इट्स नाइस। और इसका बाकी का हिस्सा कहाँ है? उनके पास। ये उनके कौन है? राजा। इज ही क्यूट? श्श। पापा, मैं तुझे बचपन से जानती हूँ, बता ना, डू यू मिस हिम? मैं अपने खुदा से रोज तुम्हारे लिए दुआ करूंगी। ए, तुम मेरे होने वाले शोहर के बारे में नहीं पूछोगी? What? कब? कैसे? अबू के दोस्त का बेटा है। And he's from Australia. Wow, परदेसी बाबू। Is he cute? Yeah, of course. 2 महीने में आ रहे हैं वो निकाह करने। उसके बाद मैं परदेश चली जाऊंगी। पर चाहे कुछ भी हो, मैं तेरी शादी में जरूर आऊंगी। बात की थी उससे मैंने। तुम फिकर काजल, काम हो जाएगा। जाइना बेटी, बस नीचे आओ। तो वो मेरे पर छोड़ दो, मैं सब संभाल। अब चलता हूँ रणवीर जी। चल बेटा, ईद पे जरूर आइएगा। अब हाँ कर दो। इस बार तो यार मैं माफी चाहता हूँ। कोशिश कीजिएगा रणवीर जी। लेकिन हाँ, अगली बार मैं जरूर आऊंगा, ये मेरा वादा है। पक्का। बेटी, आपके पिताजी तो धोखेबाज निकले। अफजल भाई, आपको तो मालूम है कि मेरी यूएस में कॉन्फ्रेंस है। ठीक है ठीक है, लेकिन बेटी आप जरूर आना। आपके बिना हमारी ईद अधूरी रहेगी। मैं जरूर आऊंगी। ठीक है। अच्छा रणवीर भाई, इजाजत दीजिए। इजाजत। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बाय बेटा। चले बेटा, बाय बाय। आसिमा, अफजल भाई मेरे साथ एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि अब बात यह है कि उन्होंने मुझसे कह दिया, याद है? ईद मुबारक भैया। ईद मुबारक आयशा। बाहर सब ईद मना रहे हैं और आप यहाँ? चलो रहमत चाचा ने बुलाया है और कोई काजल दीदी भी आई हैं। क्या भैया, चलो ना। अब जाओ, मैं आता हूँ। तन्हा जीना तेरी याद आती है।
कहीं से पास जरा सांसों की लड़ी भी हमने लगी है तेरी कमी अब खलने लगी है साथ निभाने की कोई थी कसम है एक दूजे का रहना है बन के बोला मेरे हाजी मेरे मौला 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 बीते जो पल साथ तेरे छेड़े मुझे वो लम्हे दिखता नहीं है कोई सहारा जाऊं कहां मैं बिन तेरे यारा पाऊं मैं कैसे प्यार तेरा रास्ता दिखा दे मेरे खुदा बोला मेरे हाजी मेरे मौला बोला मेरे हाजी मेरे मौला तन्हा जीना तेरी याद आती है पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है पल पल जाने क्यों तेरी याद बैठिए बैठिए बैठिए। राजा आपका बेटा है? जी नहीं, इतना सा था जब से पाला। बेटा ही समझिए। देखिए, मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं उसे आप ध्यान से सुनिए। जी डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? पैसों की चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना। देखिए, राजा को ब्रेन ट्यूमर है। देखिए, आप परेशान मत होइए, ऐसा नहीं कि वो ठीक नहीं हो सकता, उसका इलाज हो सकता है। और राजा के इस केस में तो अभी बहुत चांसेस हैं। हम अच्छे से अच्छे डॉक्टर को बुलाएंगे, हर तरह से इस चीज को करेंगे, और आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इसके चांसेस बहुत बहुत ब्राइट हैं। होती सेट, आर यू ऑलराइट? आप सुन रहे हैं ना? ये लीजिए।
चलें बेटा। सर्जरी की गई तो इसे लंबा किया जा सकता है। बाबा मैं जीना चाहता हूं बाबा, इस वादे को पूरा करना चाहता हूं बाबा। बाबा तू घबरा मत बेटा, तेरे पास बहुत पैसा है, तू चिंता मत कर। काजल, why don't you ring him? At least पता तो चले राजा को क्या हुआ है। हे, तुम उससे कुछ छिपा रही है ना? You miss him ना? हीप्स यार। तशरीफ लाइए। बेटा काजल, आपके प्रिंसिपल साहब आए हैं, नीचे आइए। आइए सर, तशरीफ रखिए। थैंक यू रणवीर जी, मैं जरा जल्दी में हूँ। ये काजल के लिए है, जोड़ी मेडल कंपटीशन के स्पॉन्सर की तरफ से, इस साल के विनर को मिला है। थैंक यू सर। वेलकम। हेलो सर। हेलो सर। हेलो हेलो, डबल ट्रबल साथ में? सर प्लीज बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं जल्दी में हूँ, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है। एंजॉय योरसेल्फ। नमस्ते। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू वेरी मच। ये क्या है? डिनर इनविटेशन फॉर जोड़ी मेडल विनर काजल सिंह। व्हाट? ये वाह! शाबाश मेरा बच्चा, शाबाश। थैंक यू पापा। अरे भाई, तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अरे शोर नहीं मचाएंगे तो और क्या करेंगे? हमारी काजल को जोड़ी मेडल स्पॉन्सर की तरफ से डिनर के लिए इनवाइट किया गया है। सच? काश काश ये मौका मुझे मिला होता। पापा अभी साथ में चलिए ना। नहीं बेटा, ये आपके लिए है, आप जाइए। अरे बेटा, जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं मिला करते। Enjoy yourself. जा। Thank you, Papa. Congratulations, बेटा। I'm proud of you. Thank you. ये लीजिए बेटा। ये देखो दादी। अरे वाह। आज तबीयत कैसी है बेटा? ठीक है बाबा, बस जरा सा सर दर्द है। आज मैंने तेरा फेवरेट स्पेशल पैक बनाया है।
अपने हाथों से ले, थोड़ा सा खा ले। अरे ये क्या कर रहा राजा? देख, अगर तू इसी तरह से रोता रहा ना तो मैं भी। बेटा एक तू ही तो है जो मेरा सहारा है। तू चिंता ना कर बेटा, मैंने न्यूरोसर्जन से अपॉइंटमेंट ले ली है। देखना अब तू जल्दी अच्छा हो जाएगा। अरे बातों बातों में तो बेटा मैं भूल ही गया, तुम्हारे प्रिंसिपल साहब आए थे, ये स्पेशल इनविटेशन देके गए हैं। उन्होंने कहा है ये स्पेशल इनविटेशन इस साल सिर्फ जोड़ी मेडल विनर्स को ही दिया जा रहा है। देख और सुन, काजल भी आएगी वहां पर। ये तारे कितने हसीन हैं ना राजा। वो दिख रहा है को समारता कौन है? ये सब तारे एक अटूट बंधन में बंधे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। थैंक यू। Thanks for the coffee. उस दिन अचानक तुम्हें क्या हो गया था? मोती अंकल तुम्हें कहाँ ले गए थे? कुछ नहीं, मोती सेठ कुछ ज़्यादा ही परेशान हुए थे मेरी उल्टियों की वजह से। एक्सपायर्ड दूध का जो मिल्कशेक भी लिया था। Thank God, I was so worried. आपने कुछ कहा? नहीं, मुझे अब जाना होगा। Yeah, sure. Thanks for the evening. स्टार्ट इस ट्रीटमेंट एज सून एज पॉसिबल, अदरवाइज उसे हम खो सकते हैं।
आप यहाँ पे साइन कर दीजिए। जी साइन? हाँ कहाँ? यहाँ पर। डॉक्टर साहब आपसे एक गुजारिश है। हाँ हाँ बोलिए ना। राजा के कुछ दोस्त इस सदमे के बारे में नहीं जानते, प्लीज आप इसे कॉन्फिडेंशियल रखिएगा। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। यू डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। काजल बेटी। जी दादी। बेटी तुमने सुबह से कुछ खाया नहीं है, कुछ तो खा लो ना बेटी। दादी मुझे भूख नहीं है। क्या नाम है उस लड़के का? राजा। गाता तो बहुत अच्छा है। घबरा मत बेटी, वो ठीक हो जाएगा। दादी। हाँ बेटी। अगर मैं राजा को देखने जाऊं तो क्या पापा मुझसे नाराज होंगे? पता नहीं बेटी, इतना मैं जरूर जानती हूँ कि तुम्हारे पापा को उसकी इज्जत बहुत ही प्यारी है। पर बेटी तू ही तो उसकी इज्जत है। क्या हुआ है राजा को? हे मेरी माली, मेरे बच्चे की रक्षा करना। Hi, I'm Priya. I will be looking after you at treatment with Dr. Trivedi. Good. 80/120. Open your mouth. It's very good. 36.5. और हाँ, डॉक्टर त्रिवेदी आपकी ट्रीटमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं. So we have to go. चलिए। ओके, आराम से। समझ गए। मिस्टर राजा, कम इन। कैसे हो? देखो बेटा, तुम्हारे सर के अंदर एक एग्रेसिव किस्म का ट्यूमर है, सो सर्जरी एट दिस स्टेज इज वेरी रिस्की। इसलिए हमें पहले क्यूमियोथेरेपी से उस ट्यूमर को श्रिंक करना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट सर्जरी फॉलोड बाय रेडियोथेरेपी, एंड वी विल ट्राई अवर बेस्ट। बाकी सब तो ऊपर वाले के हाथ में है। गुड लक और वेलकम। किसी भी चीज की जरूरत हो तो प्रिया इज हेयर टू हेल्प यू। प्रिया टेक केयर। बाय राजा। चलते हैं राजा, पहले हम लोग नाश्ता करेंगे
फिर लॉन में घूमने चलेंगे। अरे काजल बेटा तुम यहाँ आओ बैठो। जी वो मैं हॉस्पिटल गई थी राजा से मिलने, डॉक्टर ने कहा कि वो बेटा राजा बिल्कुल ठीक है, दरअसल वो पुणे गया हुआ है, मैं एक नया ढाबा खोल रहा हूँ ना उसका सेटअप देखने के लिए वहाँ गया हुआ है। पर कब तक आएगा? 13 तारीख को वो यहाँ होगा, 14 तारीख को यहाँ वैलेंटाइन डे पर बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है और सारा बंदोबस्त राजा ही देख रहा है, तुम भी जरूर आना बेटा। जी और उसकी तबीयत कैसी है अब? वो बिल्कुल मस्त है, दरअसल थोड़ा सा फूड पॉइजनिंग हो गया था और कोई खास बात नहीं। थैंक गॉड, मैं तो परेशानी हो गई थी। थैंक यू अंकल। वेलकम बेटा। बाय बाय। पहले से लेट हो गए, जल्दी कर। पूरा पता
अंकिता। हाँ बोलिए। ये राजा, आई एम हिज कॉलेज फ्रेंड, हम एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। क्या बोलूं? That idiot is not there. क्या? अंकिता, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे राजा यहीं कहीं है? I can feel him. काजल, वो यहां नहीं है. तो फिर मोती अंकल किसे देखने गए? बबलू को. चलो ड्राइवर. Thank you.
सही तुझसे बिछड़ के जिंदा रहूं मैं याद तुझे हम करते चाहतों का तू यूं ना इम्तिहाने दूर रहने की मुझको यूं ना तू सजा दे ऐसा न हो ये जुदाई मेरी जान ले ले नजरे करम कर रब तू रहम कर नजरे करम कर रब तू रहम नजरे करम कर रब तू रहम कर नजरे करम कर रब तू रहम मिला के आशिकों को क्यों जुदा करते हैं हर लम्हा उसी को हम याद करते हैं तेरी बारगाह में सजदे करते हैं नजर करम कर रब तू रहम कर नजर कर रब तू रहम नजर करम कर रब तू रहम कर नजर करम कर रब तू रहम मिला दे से मिला दे रब्बा यार से मिला दे
हेलो मिस्टर मोती, डॉक्टर त्रिवेदी है। जी बोलिए डॉक्टर साहब। राजा का कीमो ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली जितनी हम लोगों ने उम्मीद की थी उतना असर नहीं हुआ, इसलिए हमें सेकेंड ऑप्शन लेना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी करके मेरे राजा को बचा लीजिए, इस दुनिया में उसके सिवा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। मेरे लिए तो वो खुदा की नेमत है। डॉक्टर साहब प्लीज उसे बचा लीजिए। मिस्टर मोदी, आप परेशान मत होइए, हमसे जो भी हो सकेगा वो हम जरूर करेंगे। इंग्लैंड से एक नए न्यूरो सर्जन आए हुए हैं, उम्मीद की किरण शायद उन्हीं के हाथों में हो। आप हौसला रखिए। शुक्रिया डॉक्टर, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। जूली, राजा की फाइनल रिपोर्ट आ गई क्या? प्लीज सेंड मी। या अल्लाह मेरे मौला, मेरी दुआ कबूल कर, मेरे राजा की जिंदगी बख्श दे मेरे मौला। से झूठ क्यों कहा? प्लीज अंकल बताइए, मैं राजा से मिलना चाहती हूं, उसे देखना चाहती हूं। राजा की कसम, कहाँ है राजा? क्या हुआ है उसे? बेटा, राजा इस वक्त जिंदगी के बहुत नाजुक मोड़ पर है, वो नहीं चाहता कि तू उसकी वजह से दुखी हो। अगर तू उससे मिली जब न कर पाई तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी मेरी बच्ची, और वो आने वाले मुश्किल वक्त का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरी बच्ची कुछ दिन और सब्र कर। क्या हुआ है राजा को? उसे ब्रेन ट्यूमर है। करने से तुम्हें कुछ भी नहीं पता चलेगा। दो दिन से बच्ची अपने बेडरूम से नहीं बाहर आई है, ना किसी से बात करती है, ना ठीक तरह कुछ बोलती है। उसे जरा बात करना बेटा, वो मेरी प्यारी बच्ची है। क्या माँ, आप समझती नहीं हैं? अरे अक्सर रेड रोज प्रेमी अपनी प्रेमिका को देता है। मुझे तो चिंता सिर्फ इस बात की है कि दामाद होगा कौन। मुझे तो लगता है कि वो राजा ही है। क्यों माँ? मुझे क्या पता,
वो तेरी बेटी है, मैं तो उसकी दादी ही हूँ। ठीक है, देखता हूँ। क्या पूछूँ माँ? अरे पगले, वो तेरी लाडली है, तेरा प्यार से पूछना बेटा। ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। बेटा काजल, काजल बेटा, काजल कैसे हो बेटा? ए, काजल क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? ए काजल क्या हुआ? पापा राजा को रेंट, मुझे राजा के पास ले चलो पापा प्लीज। रो मत, मैं लेकर चलूंगा अपनी बेटी को, अच्छा राजा के पास लेकर चलूंगा। काजल डोंट वरी यार बेटा, हम चलेंगे राजा के पास चलेंगे। रो मत, मैं लेकर चलूंगा। हाँ बेटा, नहीं रोते बेटा। काजल, ए काजल, ए काजल बेटा, मेरी बात सुन बेटा। ए काजल, 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 ए काजल, मेरा बच्चा, ए काजल, ए सीमा। काजल के सिम्टम से साफ जाहिर हो गया है कि शी विल हैव मोर फ्रीक्वेंट अटैक्स। किसी भी तरह का इमोशनल स्ट्रेस उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आई थिंक वी शुड गेट हर इन टू द हॉस्पिटल नाउ। पिछले 3 महीने से वो चेकअप के लिए भी नहीं आई है। व्हाट हैपेंड? डॉक्टर साहब, वो कॉलेज के चक्कर में थोड़ा बिजी थी, बट पिछले 2 महीने से शी वॉज रियली एंजॉइंग हर सेल्फ, सो आई थॉट लेट हर एंजॉय। मिस्टर रणबीर, देखिए वो दिल की मरीज है, इट्स अ सीरियस मैटर, उसे रेगुलर मॉनिटरिंग की बहुत सख्त जरूरत है। यू हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल। मैं पूरी तैयारी करके रखता हूँ। I will see you tomorrow. जी, कल। I may take a leave now. कल मिलते। Okay. Thank you. ए भगवान, मेरी बच्ची की रक्षा कर, उसे जल्द से जल्द अच्छा कर दे भगवान, जल्द से जल्द अच्छा कर दे। बीते जो पल साथ तेरे, छेड़े मुझे वो लम्हे, दिखता नहीं है कोई सहारा, जाओ कहाँ मैं बिन तेरी यारा, पाऊँ मैं कैसे प्यार तेरा, रास्ता दिखा दे मेरे मेरे हाजी मेरे मौला, मेरे हाजी मेरे मौला, जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है, तन्हा तन्हा जीना तेरी याद आती है, पल पल जाने क्यों ऐसे तेरी याद आती है। Thank you.
मिला दे रब्बा यार से मिला दे, मिला दे रब्बा प्यार से मिला दे, मेरी चाहतों का तू यूं ना इम्तिहाने, दूर रहने की मुझको यूं ना तू सजा दे, ऐसा ना हो ये जुदाई मेरी जान ले ले। बेटा मैं तेरी ख्वाहिशों के खिलाफ कभी नहीं रहा, मैंने हमेशा तेरे हर फैसले की कद्र की है। हाँ, इस मुद्दे को लेकर थोड़ा खुदगर्ज हो गया था, बाप हो ना, इसके लिए अपने इस बाप को माफ कर दे बेटी। और मैंने मैंने राजा का पता लगा लिया है बेटी, हम सबसे पहले राजा से मिलेंगे हा? और उसके बाद डॉक्टर जोसेफ के पास चलेंगे, ठीक है? अरे पगले, अपनी नासों को राजा के लिए बचा कर रख, सब बा देगी बेटी, तेरे आंसू हम सब के लिए बहुत कीमती है। चल चलते ऑपरेशन बहुत कठिन था, इसलिए काफी खून बह चुका है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते, चार पांच घंटे बाद ही कुछ कह सकते, हमारे हाथ में जो था हमने किया, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में, होश में आने पर शायद कुछ नस में गड़बड़ हो जिसकी वजह से हाथ या पैर पूरी तरह से काम ना करें, या फिर आंख या याददाश्त में भी कुछ फर्क आ सकता है, बस यही कुछ चीजें हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। दैट्स ओके, होश में आने के बाद आप उनसे मिल सकते हैं, मैं शाम को वापस आपसे मिलता हूँ। जी ये मेरी पत्नी सीमा। नमस्ते। नमस्ते। ये मेरी माता जी काजल की दादी। नमस्ते। और ये तो हम सब की प्यारी और आपकी लाडली काजल। मैंने अपने अल्लाह से इतनी दुआएं की है बेटा कि उसके दरबार में हमारी काजल और राजा जैसे लोगों के लिए दरवाजा हमेशा खुला रहे। मुझे अपने परवरदिगार आलम पर पूरा भरोसा है, वो मेरी फरियाद जरूर कबूल करेगा। सॉरी बेटा, मुझे राजा ने मना कर दिया था,
वो तुझसे बहुत प्यार करता है बेटा। भरोसा रखिए, जिंदगी के वो हसीन लम्हे बस इतनी सी दूर है। खोलो ना प्लीज। अरे पगले, तुम्हारी मालकिन आई है। ये देखो, तुम्हारे लिए अपना सारा प्यार समेट कर लाई हूं। ऐसा कैसे सोच लिया कि मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, खुद ही डिसीजन ले लिया। स्टूपिड, आई वेटेड फॉर यू। क्यों नहीं आए तुम? क्यों? मैं भी पागल हूं, जाने क्यों बोल नहीं पाई। जो बहुत बहुत दर्द होता है यहाँ, मेरी सांसों की लड़ी तुम्हारी हो चुकी है राजा। यू माई वैलेंटाइन। आई लव यू। राजा,
बस तेरा चेहरा बसा है अब मेरी इन आँखों में, यादों में हो तुम ही शामिल, तुम हो मेरी बातों में, दूंगा तुम्हें नई मैं दुनिया, चाहूंगा मैं तुम्हें तो सदिया। खाब पले आँखों में हमेशा मिटने लगे हैं फासले, जब से तुमको देखा रोशन सुबह है मेरी, तब से मांगा तुम्हें है मेरे रब से। कहीं से पास जरा,
सांसों की लड़ी भी तुमने लगी है, तेरी कमी अब हलने लगी है, साथ निभाने की खाई थी कसमें, एक दूजे का रहना है बल के।